नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वोटर चेतन महाअभियान के तहत आज और कल लोगों के घर घर जाएंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े इस विशेष अभियान में नए वोटर जोड़ने और फर्जी वोटर हटवाने का काम किया जाएगा। राजधानी में मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ हर घर संपर्क अभियान चलाएंगे। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की आज बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर होगी, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक विभाग आज की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा करेगा, जिसमें प्रदेश भर से अल्पसंख्यक मोर्चा के बड़े नेता शामिल होंगे। कि आज प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस के बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक को जोड़ा जाएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस के मुख्यालय पर। लोकसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा की जाएगी, अहम चर्चा होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी और आज कई अल्पसंख्यक नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम योगी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा और पंजाब को इसका जिम्मेदार बताया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता का ये हाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे NCR में प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब को ठहराया है। दरअसल दिल्ली जाते समय गाजियाबाद में विमान से उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में जलन होने लगी थी और उन्होंने आंखों में जलन का कारण धुंध को बताया और कहा कि सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि पूरा पंजाब और उत्तर हरियाणा लाल हो गया है। बहराइच में देर शाम समाजवादी महिला सभा महिला अध्यक्ष मन्नू देवी के नेतृत्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र के साथ हुई वारदात को लेकर समाजवादी महिला सभा की दर्जनों महिलाओं ने एकत्रित होकर सपा कार्यालय से कैंडल मार्च निकाला, जहां समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष मन्नू देवी ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 छात्रों द्वारा बंदूक की नोक पर छात्र के साथ कुकर्म किया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया, जो बेहद शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही की मांग भी की है। घटनाएं हमारे देश और प्रदेश में हो रही हैं। अभी कल की घटना है BHU बनारस में, जहां शिक्षा के मंदिर में बेटी के साथ में इस तरह के जघन अपराध हुए कि बंदूक की नोक पे उसको तीन छात्र जो है उसके साथ दरिंदगी की, उसके कपड़े फाड़े, उसका असली वीडियो बनाए, उसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हैं। क्या मांगे थे? हम लोग की बस यही मांग है कि जो छात्रा के साथ ऐसी घटना किए हैं, उन लोग को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले। कैंडल मार्च निकाला गया है BHU में, जिस तरीके से BHU छात्रा के साथ जो शर्मनाक हरकत की गई है और लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। इसी बीच सपा कार्यालय से कैंडल मार्च निकाला गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पराली जलाने के मामले में कृषि विभाग ने 27 किसानों के खिलाफ खेतों में पराली जलाने के आरोप में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने किसानों के खिलाफ सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों के आधार पर यह कार्रवाई की है और सभी किसानों को तहसील के माध्यम से नोटिस देकर राजस्व की वसूली भी की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वायु प्रदूषण से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं। इस पर जिला प्रशासन ने सभी तहसील और थानेदारों को पत्र भेजकर आगाह भी किया था उनके इलाके में किसान पराली न जलाने पाए। इसके बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान अपने खेत में पराली जलाकर वायु प्रदूषण और
को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उठने वाला धुआं प्रदूषण को और अधिक बढ़ावा देता ही जा रहा है। यहीं कोई पराली जलाते हुए दिखाई देता है कोई कृषक, इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं होर्डिंग के माध्यम से और वाहन प्रचार वाहन के माध्यम से। इसके लिए माननीय हरित न्यायालय ने जो है व्यवस्था बना रखा है जुर्माना के लिए भी, अगर किसी कृषक का एक एकड़ से कम एरिया में जो है वो अपना फसल अवशेष जलाता है तो उसके लिए उसको 2500 रुपये का जुर्माना राजस्व विभाग द्वारा लगाया जाएगा। जनपद में जो घटनाएं पराली जलाने की प्राप्त हो रही हैं उस जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित कृषकों को जो है से जुर्माना की वसूली आदिकार की कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमारे जनपद में 27 घटनाएँ हुई हैं पराली जलाने के लिए, जिसके लिए हमने सभी उपजिलाधिकारियों को जो है सूचित किया है, उनके माध्यम से इसमें वसूली और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में 2 दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी ने बसलंडा क्षेत्र के कई गांव में जनसभाएं की हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने बिलसंडा क्षेत्र में पहुंचकर बिलसंडा सहित कई क्षेत्र के गांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। साथ ही पीलीभीत के लोगों को रोजगार के लिए लोन तक नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास 1 करोड़ सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं और जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन जनता को किसी की फिक्र नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, कृपा करिए, दया दृष्टि करिए, थोड़ा हमारा काम कर दीजिए, फंस गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा ईमानदार कंधे की जरूरत है। आपको पता है भ्रष्ट आदमी क्यों आपका साथ नहीं दे सकता? क्योंकि जब भ्रष्ट आदमी आवाज उठा के उन पुलिस वालों को डांटेगा कि ये मेरे घर के लोगों को आपने क्यों ऐसा अपमानित किया, तो वो उसको 4 चीजें जब वापस बोलेगा कि आपका खनन में हाथ चल रहा है, आपका ये हाथ चल रहा है, आपका कॉलोनी कटरी है, तो फिर वो आदमी कहेगा अच्छा अच्छा जो करना करो भैया, तमाशा मत करो, चलो फोन काट दे। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की के पिता और भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके मोहल्ले के 2 लड़के आए दिन उसे परेशान करते थे और जब वो मवेशियों को चारा देने गई तो दोनों मनचलों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर मनचलों ने लड़की के पिता और भाई की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपके पास जा रहे थे 6 बजे चारा साने, 2 लड़का छेड़बाजी कर रहे हैं, पापा और मम्मी को बताए हैं तो लोग मिल के मारे हैं पापा मम्मी और हमने। कब से छेड़खानी कर रहे थे? 4 महीने। कौन है जो छेड़खानी कर रहा था? खुशबू छोटू, गांव के ही है। हाँ। आज किससे शिकायत करने आई हो? आज पापा मम्मी शिकायत करने गए थे तो पापा मम्मी उनके 2 लोग के घर गए थे और तो उन्हीं लोग की मारी मिल के प्राप्त हुई। हमारी लड़की चारा सानने आई, उसको छेड़बाजी कर हमारी लड़की भागी है तो कैसे के बाप आए भाई आए तो रहन दे गए तो उसको छेड़ के मारने लगे। कब से छेड़खानी कर रहे थे? आज 3-4 महीने छेड़बाजी करते हैं। हम सब इनको समझाते हैं, 4 महीने से छेड़बाजी करते हैं, समझाते नहीं हैं। कौन है वो जो छेड़खानी करते हैं? 8 खुशबू 8 छोटू, गाँव के हैं। हाँ, गाँव के हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? शिकायत हम इसे नहीं करने रहे, हम इनको समझौता दे रहा कि समझ जाने, हमारी इज्जत इसकी इज्जत नहीं उड़ने पा रही। मुझे आज भी समझाने गया तो मारने की कोशिश करने लगे, मारने को चहेटने लगा, डंडा गोदी लाके मारने लगा भाई। होगा आज थाने में शिकायत करने क्या हुआ यहाँ पे? आज हम ऐसे लिए आया कि अब हमारा जान नहीं बचे, हमारे आदमी को हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम आज थाने जाओगे तबो भी मार खाओगे, मार डाले। पीलीभीत के तहसील पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांदिया हजारा में क्षेत्र बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर पिछले 52 दिनों से चल रहे अनशन का असर शासन प्रशासन पर नहीं पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि चंदिया हजारा में शारदा नदी पर हर साल होने वाली भू कटान और बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जहां इनकी मांग है कि शारदा नदी में 5 साल से अधर में लटका ड्रेजिंग
चैनलाइजेशन प्रस्तावित कार्य को कराए जाने की मांग चल रही है, जबकि शासन ने पहले बजट भी जारी किया था और चैनलाइजेशन का कार्य करने के लिए मशीनें भी कार्यस्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन वन विभाग ने एनओसी को लेकर मामला अटक गया था, जिसके बाद चंदिया हजारा के ग्रामीण 30 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नदी का जो बहावा है पुराना, वो बहावे नदी को काट के सीधा कर दे, पक्का ठोकर लगे, और जो जमीन कटा है जमीन दिया जाए, जमीन का मजो दिया जाए, और सरकार अगर हमारा ये बात नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे आरक्षण के लिए तैयार हैं बैठने के लिए। देखिए हमारा राजनीति ये है, अगर सरकार नहीं मानता है तो हम लोग आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हम लोग वोट बच्चे करने के लिए तैयार हैं। 50 दिन से यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं हम लोग का जमीन की बारी में, जमीन बाढ़ से काट दिया, अभी हमारा विधायक जी कह रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, ऐसे देते देते आज कम 4-5 साल हो गया, लेकिन हम लोग को आज तक कोई कुछ नहीं दिया, और आता है वो इलेक्शन की पहले कुछ दिन देते हैं, बस चले जाते हैं, उसके बाद अब दर्शन देने आता ही नहीं है यहाँ कभी। आगे के लिए हम लोग जब तक हमारा काम ये पूरा नहीं होगा तब तो हम लोग ये धरना में बैठे रहेंगे, चगा में मर जाएंगे, कोई बात नहीं। और आया कि अजीत मल थाना क्षेत्र में वन रेंजर और उसके बेटे की गुंडई सामने आई है। बताया जा रहा है कि नोटिस का जवाब देने गए आरा मशीन मालिक को वन रेंजर और उसके बेटे ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अरुण दुबे को वन रेंजर नरेंद्र रावत और बेटा अभिषेक रावत ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है। आज मामला ये हो गया सर, रेंजर साहब ने नोटिस दिया था क्यों, कौन रेंजर, क्या नाम है, नगेंद्र रावत, क्या मामला, उन्होंने नोटिस दिया था कि आपकी मशीन अवैध चल रही है, लेकिन हमारी मशीन 31 दिसंबर 2023 तक वैध है, हम उसके जवाब मांगा था 2 तारीख को, कल मैं शाम को जवाब देने गया था तो उन्होंने उत्तर लिया नहीं, रिसीव नहीं किया ऑफिस में, उसके बाद मैं आज फिर देने गया तो उन्होंने, हमें वीडियो बना रहा था तो पिताजी बैठे थे, नोटिस दिया रिसीव कर दो, तो वो कह रहे थे रिसीव नहीं हो पाएगा, मैंने कहा आज की तारीख में आप रिसीव कर लीजिए, आप कुछ भी कार्रवाई कीजिए, तो वो रिसीव करने हमें वीडियो ने धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल दिया ऑफिस से, और पिताजी को अंदर बंद करके पिताजी के साथ मारपीट की। जानकारी के साथ संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं, जाहिद क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? मैंने लंदनी आपको बता दूं कि वन रंजर जो है अजीत मल थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं ये, इन्होंने एक व्यक्ति यहाँ पर जाता है उसके कुछ बात को लेकर कहा सुनी होती, किसी को लेन देन का प्रूफ बताया जाता है, मामला सामने उसके बेटे द्वारा बताया गया रहा है, उसकी के दौरान कुछ कहा सुनी होती, कुछ कागजों को लेकर जैसे वो अंदर प्रवेश करते तो उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद यहाँ ही नहीं रुकते, उसका उसके सड़क पर आकर लेटा लेटा कर उसके साथ मारपीट की जाती, वीडियो के माध्यम से आप साफ देख सकते हो किस तरीके से एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। जी देखिए, बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इस संबंध में मामला संज्ञान में पुलिस ने ले लिया, इससे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। जी, और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है क्या कुछ उनका भी बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं नहीं, अभी तक वन रंजन का इस मामले को लेकर कोई सी किस्म से कोई बयान सामने नहीं आया है, हालांकि मीडिया इस बराबर प्रयास में लगी हुई है उनका भी कोई वचन आ जाए, जिससे कि इस पर सोचते हैं कि कारण क्या रहता। जी, जाहिद पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ मांग किया है? और पुलिस पक्ष ने यही मांग किया है कि जिस तरीके से हमारे सामने गुंडई वन रंजन द्वारा की गई है और मारपीट की गई है, उसको लेकर उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि आगे किसी और के सामने घटना न घटा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के महोफ रेंज में कार्यरत वाचर की मनमानी सामने आई है। दरअसल एक बार फिर महोफ रेंज के प्रतिबंधित क्षेत्र के जंगल से साइकिलों से लकड़ी ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और वीडियो में साफ तौर से सुना जा सकता है कि वाचर जंगल में मजदूरों से कराए जा रहे काम के बदले रुपए ना देकर पेड़ों की लकड़ियां कटवाकर काम करने वाले लोगों को देते हैं, और विभाग से जारी की गई मजदूरों को दी जाने वाली पूरी राशि वाचर डकार जाते हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।